परमात्मा
के सत्य के चिंतन का अवसर मिलता है। और असल में तो जैसा परमात्मा है उसका मॉडल है सच्चा सन्यासी, कैवल्य जीवन, केवल जीवन, अकेला जीवन। परमात्मा जैसे अद्वितीय है वैसे सन्यासी भी अद्वितीय है। इसको ऐसे करते हैं जैसे शरीर में चार भाग कर रहे हैं, तो एक होता है विश्व विराट का भाग, उसको ब्रह्मचारी या शूद्र कहते हैं। दूसरा होता है तेजस हिरण्यगर्भ का भाग, उसको गृहस्थ कहते हैं। तीसरा होता है प्राज्ञ या ईश्वर का भाग, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और चौथा होता है तुरीय तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसको सन्यासी कहते हैं। तो वर्ण विभाग, आश्रम विभाग, कर्म विभाग और तत्व विभाग, चारों का नमूना इस वर्णाश्रम व्यवस्था में है। तो अर्थ चिंतन, काम चिंतन और यहाँ तक कि धर्म चिंतन से भी निवृत्त होकर के केवल आत्मा और परमात्मा का चिंतन करने के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था है। जैसे आपके शरीर में चलने फिरने के लिए पाँव हैं, काम करने के लिए, और सबको भोजन देने के लिए मध्य भाग है, सारे शरीर में रक्त और ऊर्जा और शक्ति पहुंचाने के लिए, जैसे रक्षा करने के लिए आपका हाथ है, और जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर का ऊपरी भाग है, तो ये सारा शरीर आपका भेद है। और आपका शिरो भाग जो है ये वेदांत है। कान से भी ज्ञान मिलता है, आंख से भी ज्ञान मिलता है, नाक से ज्ञान मिलता है, जीभ से ज्ञान मिलता है, त्वचा से ज्ञान मिलता है। तो जैसे जीवन का ऊपरी हिस्सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, वैसे ये समाज का श्रेष्ठ भाग जो है इसका नाम संन्यास है। ये धनी और गरीब दोनों के बीच में खड़ा है। धनी से कहता है बेईमानी से इकट्ठा मत करो, बिना इकट्ठा किए भी देखो हम सुखी हैं। गरीब से कहता है कि तुम ज्यादा लालच मत करो, धन के बिना तुम दुखी मत हो, देखो हम धन के बिना दुखी नहीं है, बहुत सुखी है। तो संपूर्ण समाज को ठीक ठीक व्यवस्था देने के लिए ये चार वर्ण, चार आश्रम और तीर्थ भी जितने बने, और मनुष्य का शरीर और विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय, सत्व, रज, तम और गुणातीत, ये तत्व के आधार पर सारी की सारी व्यवस्था बनी हुई है। इसका एक दृष्टिकोण है। हम आपको कुछ करने रहने के लिए नहीं कह सकते, परंतु प्राचीन ऋषियों का दृष्टिकोण कैसा था उसका हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। एक दिन दिल्ली में कोई हमारा सेवक है, ले गया संत, तो उससे पूछा इस मोहल्ले का क्या नाम है। बोला विनय नगर। मैंने कहा नाम तो बहुत अच्छा है। बोले महाराज इसके बगल में सेवा नगर है। फिर बताया कि इसके बाद शान नगर है।
और फिर माननगर है। तो हमारे दिमाग में कौन गया कि सेवा नगर माने शूद्रों चपरासियों की बस्ती हो, काम करने वालों, विनय नगर माने क्लर्कों की बस्ती, और शान नगर माने बड़े बड़े अफसरों की बस्ती, और मान नगर माने माननीय मंत्रियों की बस्ती। उस समय यही व्यवस्था थी। तो जब मैंने इसको सभा में जाहिर किया तो अब मालूम हुआ है हमको कि उन सब नगरों के नाम प्राय बदल गए हैं। अब उसका नाम सरोजिनी नगर किसी का हो गया है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो भाई ये है वर्णाश्रम व्यवस्था, जो अनजान में भी सिर पर चढ़ करके बोलती है, और ये बिल्कुल तत्वों के आधार पर है, ज्ञान के अनुसार है, और जीवन की व्यवस्था को बिल्कुल ठीक करने के लिए है। संन्यास एक जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। इसी के साथ में हमको एक प्रश्न और बड़ा हुआ है कि वर्तमान समय को देखते हुए क्या स्त्रियों का संन्यास लेना उपयुक्त है? वर्तमान समय को देखने के लिए, उनको देखते हुए स्त्रियों को किसी भी काम से मना करना उनको जाते हैं। तो तुरंत अधिकार अनाधिकार की लड़ाई, हम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, है? हम राष्ट्रपति हो सकते हैं, है? और बल्कि स्त्रियों में तो मैं जहां तक यहां देखता हूँ, गेरुआ कपड़ा पहनने का कुछ शौक है लोगों को। अब यदि कोई पुरुष स्त्रियों को किसी काम से मना करे तो कहेंगे कि ये पुरुषों का पक्षपात है। देखो, हमारी दृष्टि ये है कि त्याग करने का अधिकार तो सबको ही होता है, ग्रहण करने का अधिकार सबको नहीं होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर वो अपने हाथ में से घड़ी निकाल के फेंक दे तो उसको रोकने वाला कौन है? लेकिन दूसरे की घड़ी अगर लेना हो तो उसमें अधिकार की आवश्यकता होती है। हम किसी आश्रम की निंदा तो नहीं करते, न उस पर कोई कटाक्ष या आक्षेप करने का विचार है, परंतु वर्तमान समय में यदि चरित्र की रक्षा करना हो तो अपने घर में रह करके चरित्र की जैसी रक्षा हो सकती है स्त्रियों के लिए खास करके, वैसी रक्षा कहीं बाहर जाने से होना बहुत कठिन है। इसलिए स्त्री को अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ने में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यदि कहीं अपरिचित लोगों में, और जबकि खुले आम चरित्र हनन का और चरित्र नाश का प्रयास हो रहा है, यदि स्त्री अपने परिवार में घर में रह के ही भजन करे तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सलाह है कि उसके लिए सबसे उत्तम है। तो पूछते हैं कि वेदांत श्रवण के अधिकारी कौन है, और उसके साथ में प्रश्न लगा हुआ है कि बिन अधिकारी अनधिकारी के तो श्रद्धा के साथ में वेदांत का श्रवण करने वाला हो तो उसको
क्या फल मिलेगा, अर्थात उसका कल्याण कैसे होगा? ऐसा है जी कि आजकल इतनी पुस्तकें छपी हैं और इतने व्याख्यान होते हैं, इतने प्रशिक्षण शिविर लगते हैं कि उनमें ये कहना कि वेदांत श्रवण का अधिकारी कौन है बड़ा मुश्किल है। तो दौड़ी पीटते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अधिकारी अधिकारी सब आते हैं, सुनते हैं। वेदांत में तो श्रवण का अर्थ है निश्चय, कान से सुनना वेदांत में श्रवण का अर्थ ही है। अपने किसी भी वेदांत में श्रवण का अर्थ है उपक्रम उपसंहार की एकता, अभ्यास अपूर्वता, फल अर्थवाद और उत्पत्ति, इनके द्वारा संपूर्ण वेद शास्त्रों का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में है। इस निश्चय का नाम श्रवण है वेदांत में। ये जो हम लोग सभाओं में जाकर व्याख्यान सुन आते हैं उसका नाम वेदांत श्रवण नहीं है। ये सामाजिक रूप से होता भी नहीं है, व्यक्तिगत दृष्टि से ही होता है। अब रही बात ये कि वेदांत का अधिकारी न हो और श्रद्धा के साथ वेदांत सुने तो वो वेदांत श्रवण का अधिकारी हो जाएगा धीरे धीरे। आज समझ में नहीं आता है कल आ जाएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा। तो हम लोगों को तो ऐसे ही बताया था वो कि भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में जाना, पांच छह घर से भिक्षा मिल जाएगी अपना पेट भर जाए, सब घर से भिक्षा मिले इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि उस गांव में भिक्षा करने के लिए जाते रहोगे तो बाद में सभी घरों से भिक्षा मिलने लग जाएगी। इसलिए आप वेदांत श्रवण कीजिए, अधिकार संपन्न हुए बिना वेदांत का ग्रहण नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। केवल ऊपर ऊपर आप सुन लेंगे। तो वेदांत में अधिकार का अर्थ वैसे नहीं होता जैसे ये अमुक कार्य के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ऐसे नहीं होता। वहां अधिकारी का अर्थ होता है योग्यता वाला, आत्मा और ब्रह्म की एकता और प्रपंच का मिथ्या समझने की जो योग्यता है उसको वेदांत में अधिकारी कहते हैं। तो जिसकी संसार में भोग की लिप्सा है, अर्थ की लिप्सा है, अथवा चंदा करने की इच्छा है, निंदा करने में प्रवृत्ति है, कुछ इकट्ठा करने का मन है, तो वो संन्यास का अधिकारी नहीं है, माने संन्यास के योग्य नहीं है। वेदांत श्रवण के योग्य नहीं है। वो दूसरे के लिए वेदांत सुनता है कि अपने लिए? जो दूसरे को वेदांत सुनने सुनाने में रुचि रखता है उसका आत्मचिंतन जरा धीमा पड़ जाता है। इसलिए स्वानुभूति के लिए जो वेदांत श्रवण है वही मंगलकारी है और योग्य भी वही है जो संसार के भोग राग से विरक्त होकर आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव करना चाहता हो। तो वेदांत में अधिकार माने वेदांत श्रवण की और अनुभव की योग्यता। प्रभु एक मेरे पूछ रहे हैं कि ईश्वर सत्यवादी के
साफ कहता है या आसक्तिवादी मिलाव वाली के साथ, जैसे श्री राम विभीषण के साथ रहे और एक और शिव भोलेनाथ श्री राम के साथ रहे, ऐसा कृपया समझें। ऐसा है जी कि ये जो संसार है वो एक शरीर है, इसमें दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, हाथ पांव भी होते हैं, और मल त्याग और मूत्र त्याग के स्थान भी होते हैं। क्या आप अपने शरीर से कह सकते हैं कि इसमें मल त्याग का या मूत्र त्याग का स्थान न रहे? तो ईश्वर के शरीर में सब रहते हैं, उसकी आंख में सूरज रहते हैं, उसके कान में दिशाएं रहती हैं, उसकी त्वचा में वायु रहता है, उसकी नासिका में अश्विनी कुमार रहते हैं, और उसकी बात में अग्नि रहती है, उसकी रचना में वरुण रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में मल त्याग मूत्र त्याग का स्थान होता है, उसकी वो सफाई भी करता है, सुरक्षित भी रखता है। आंख का सुरक्षित रखना या कान का सुरक्षित रखना जितना जरूरी है शरीर में, मल त्याग और मूत्र त्याग का स्थान भी उतना ही जरूरी है। तो ईश्वर के शरीर में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सबको वो जन्म देता है, सबको तुष्टि देता है, सबको पुष्टि देता है, सबको अपने भीतर रखता है। ये जिसको हम लोग बुरा समझते हैं ना, वो हमारे कानून में तो बुरा है, ईश्वर के कानून में बुरा है कि नहीं? ईश्वर क्या भारतीय कानून का पाबंद है कि अमेरिकन कानून का कि रशियन कानून का? भलाई बुराई का आप निश्चय कैसे करेंगे? एक देश की बुराई दूसरे में भलाई है, एक की भलाई दूसरे में बुराई है। इतने छोटे छोटे देश आपस में कानून बना के, मजहब बना के, धर्म बना के बैठे हुए हैं, और सब लोग समझते हैं कि ईश्वर हमारे ही मजहब को मानने वाला होगा। ईश्वर के कानून बिल्कुल अलग है, ईश्वर का दृष्टिकोण अलग है। यदि ईश्वर के राज्य में सबके रहने के लिए स्थान न हो तो वो ईश्वर कैसा? तो भले के साथ भी ईश्वर रहता है, बुरे के साथ भी ईश्वर रहता है। और जिसको तुम भला बुरा समझते हो वो केवल तुम्हारी समझ के अनुसार ईश्वर नहीं चलता है, ईश्वर की समझ के अनुसार वो सब में अपने आप को देख करके अपना व्यवहार करता है। आप जो ईश्वर को अपने कानून का पाबंद बनाना चाहते हो वो बिल्कुल गलत है। प्रभु, गीता के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 18 में इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासत मद भक्त विद्याय मद भावय वो भवत्यते। इस श्लोक में भक्त ज्ञानी होकर मद भावय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, ये कैसे आता है कृपया समझिए। ऐसा है जी कि ये ईश्वर जो है ये घड़े की तरह या कपड़े की तरह अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि घड़ा कपड़ा देखने के लिए तो आंख की रोशनी चाहिए और सूरज या बिजली की रोशनी चाहिए और वो चीज बाहर पड़ी हुई होनी चाहिए। घड़ा हो, सूरज की रोशनी हो, आंख हो, तब हम घड़े को देख सकते हैं, परंतु ईश्वर को देखने के लिए न तो घड़े की तरह कोई चीज चाहिए बाहर,
और न तो सूर्य चंद्रमा बिजली की कोई रोशनी चाहिए ईश्वर को देखने के लिए। जो हमारे अंतकरण की वृत्ति अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति में आरूढ़ होकर घटादि विषय के देश में जाकर घटावच्छिन्न चैतन्य से एक होता है, तब घड़े का अनुभव होता है। ये प्रणाली ईश्वर के अनुभव में नहीं है, क्योंकि ईश्वर ऐन्द्रियक नहीं। तो पहले शास्त्र से सत्पुरुष से ईश्वर के बारे में श्रवण करना पड़ता है। ये ईश्वर है, ये अनिश्वर है। ईश्वर और अनिश्वर का अवच्छेदन दोनों को अलग अलग केवल शास्त्र से किया जाता है। तो शास्त्र एक प्रकार की वृत्ति को हटाती है और ईश्वराकार वृत्ति की स्थापना करती है। तो हमारी वृत्ति ईश्वरमयी हो जाती है। जब हमारी वृत्ति ईश्वरमयी हो जाती है, तब हम साक्षी रूप से उस ईश्वराकार वृत्ति को देखते हैं। हमारे अंतःकरण में ईश्वर ही ईश्वर रहे, ईश्वर का ही आकार हमारे अंतःकरण में भरपूर रहे, तो भी प्रेम से। तो प्रेम विशिष्ट भगवद आकार वृत्ति का नाम होता है भक्ति। अब जरा आप मामूली तौर पर देखिए कि आपके मन में सपने में तो हजारों आदमी आते हैं, तो वो हजारों आदमी क्या अपना अपना चेतन अलग से लेकर आते हैं? अद्भुत है ये माया। न उन जीवों को, जिन मनुष्यों को आप सपने में देखते हैं, उनका न तो पूर्व जन्म है और न तो उत्तर जन्म है और न उन सब शरीरों में जीव है, और वो आपस में लड़ते हैं, रागत द्वेष भी करते हैं, युद्ध भी स्वप्न में होता है, परंतु वहां वास्तव में किसी के मन में रागत द्वेष नहीं है। आपका ही चेतन सबके शरीर में चेतन रूप होकर के मालूम पड़ता है। जब आप अपने हृदय में ईश्वर को देखते हैं, माने ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आपका अंतकरण ईश्वराकार हो जाता है। जैसे शास्त्र ही ये धर्म है ये अधर्म है आपके हृदय में विभाग बना देता है, घटपट के समान बाहरी कोई पदार्थ उसमें जाकर के नहीं मिलता है, साक्षी भाव से होता है धर्म अधर्म। इसी प्रकार ईश्वराकार वृत्ति भी साक्षी भाव से होती है, और उसमें साक्षी चैतन्य और ईश्वर चैतन्य दोनों अलग अलग होते ही नहीं है। तो बात यह है कि आप पुराण की कथा सुनते हैं और कितने किस्से कहानियां आपके मन में भरे हुए हैं, और कितने लोगों के बारे में आपने सुना है कि इनको भगवान के दर्शन हुए हैं, परंतु के दर्शन की प्रणाली क्या है? वहां आत्म चैतन्य ही ईश्वराकार अंतकरण से तादात्म्यपन्न होकर ईश्वर चैतन्य के रूप में पृथक मालूम पड़ता है, बातचीत करता हुआ लगता है, प्रेम करता हुआ लगता है, मिलता हुआ लगता है, वरदान देता हुआ लगता है। वो आत्म चैतन्य की ईश्वर चैतन्य के रूप में ईश्वराकार में जो तन्मयता है वही होती है। तो बात ये जरा मुश्किल है समझने में, क्योंकि साधारण लोग तो
इनको ईश्वर मिल गया, उनको मिल गया, इनको दर्शन हो गया, उनको प्रसन्न हो गया। मारवाड़ी होंगे तो ज्यादा मारवाड़ी को, गुजराती होंगे तो ज्यादा गुजराती को, दक्षिणी होंगे तो ज्यादा दक्षिणी को, बंगाली होंगे तो ज्यादा बंगाली को। कुछ जातीय पक्षपात होगा, कुछ संबंध होंगे, कुछ संपर्क अधिक होगा, किसी के पास ज्यादा आना जाना होगा। मान बैठते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन होता है कैसे? ये तो कुछ थोड़े से लोग इस बात को जानते हैं। तो ईश्वर के बारे में श्रवण करते करते और जप आदि के द्वारा ईश्वर का भाव दोहराते दोहराते अपने हृदय में एक ईश्वर का आकार बनता है। लेकिन उस आकार में कोई ईश्वर अलग से चैतन्य लेकर आता हो सो बात नहीं है। जैसे स्वप्न काल में दृष्टा का चैतन्य ही सबके शरीर में दोस्त दुश्मन हो करके और भला बुरा हो करके काम करता है, ऐसे ईश्वर चैतन्य के साथ आत्म चैतन्य का मेल होता है। तो मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। जब भक्त इस रहस्य को समझता है, अरे चैतन्य तो एक ही है, जो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य है वही अंतकरण की ईश्वराकार वृत्ति से, वही ईश्वराकार से अवच्छिन्न चैतन्य भी वही है। तो मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। मेरा जो भक्त है वो जब इसका अनुभव करता है तो भगवत रूप ही हो जाता है, ईश्वर रूप ही हो जाता है। इसलिए आप जैसे घड़े को कपड़े को देखते हैं वैसे मत देखिए। जागृत के पदार्थों को जैसे देखते हैं वैसे नहीं, स्वप्न के पदार्थों को जैसे देखते हैं वैसे भी नहीं, सुषुप्ति में जैसा ज्ञान रहता है वैसा भी नहीं। ये जो परमात्मा का स्वरूप है वो एक अखंड अद्वितीय चेतन है और आत्म चैतन्य के रूप में ही उसका अनुभव होता है। इसलिए 13वें अध्याय का जब आपने प्रश्न किया तो ये बात कहनी पड़ी कि मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्व विनश्यन्तम् जः पश्यति स पश्यते समम् पश्यति सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मनात्मानम् ततो याति परांगतिम्। ये 13वें अध्याय के अंत में आप पढ़े। ब्रह्म प्रकृति मोक्षंच जे विदुर जानति ते परम। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ इसका उल्लेख मिलता है। और प्रभु एक बहन ने कविता लिखी है और वो कह रहे हैं कि प्रभु महाराज जी मुझे तो सत्संग से जो लाभ हुआ है वो मैं अपने भव्य की इस कविता में कर रही हूँ, उसकी पुष्टि आप से कराना चाहती हूँ। बहुत ही अनुभवी है, डॉक्टर भी है और उनकी प्रेरणा से ये करता है। और वो बोलती है कि सत्संगियों को क्या लाभ हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा विचार ये है कि जगत को करोगे कर्म को धर्म में है, धर्म को भी आगम निगम ने लिखा है, आगम निगम को मरने और मरण को कवि की तलाश से कलम ने लिखा है। यह प्रेमपुरी है इसके मुखस्तर का लेखा पर ब्रह्म ईश्वर आगम ने लिखा है, जगत को कर्म ने कर्म को धर्म ने धर्म को भी आगम निगम ने लिखा है। ये चराचर प्रपंचों के कार्य क्रम को निर्माता के चिंतन चरण ने लिखा है, अंधेरे में रस्सी लगी सड़क जैसी
आभास मणि के भ्रंश में लिखा है। हमारा ये ही कार्यक्रम को जो सत्यम शिवम सुंदरम ने लिखा है, लिखने को लाखों का लिखना है कारण, लिखा है वही जो कि दिल में लिखा है। परस्कर गुणीचंद करे फैसला, अब तक क्या तुमने लिखा था क्या हमने लिखा है। बस ये कहकर के वो आप श्री की आज्ञा दर्जी में इसमें कहां तक सत्य है और कहां तक। आपकी कविता सुन के बहुत खुशी हुई। वैसे आप कविता सुनाने के लिए यदि समय मांगती तो यहाँ के प्रबंधक देते कि नहीं देते। प्रश्न के रूप में आपकी कविता आ गई और आपका जो अपना अनुभव है उसके बारे में हमको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। न हम आपके जज हैं, न गुरु हैं, न पत्रकार हैं, इसलिए आपका अनुभव आपके लिए बहुत ठीक है और सबको जो जो लाभ होता है वो सब लोग अनुभव करते हैं। आपको जो हुआ वो आपने भी किया। हम समझते हैं कि सत्संग में सभी को लाभ, कुछ न कुछ लाभ तो होता ही होगा। यहाँ तक कि डॉक्टरों को मरीज मिल जाते हैं, वकीलों को वकील मिल जाते हैं, पंडितों को जजमान मिल जाते हैं, जजमानों को पुरोहित मिल जाते हैं सत्संग में। तो लाभ तो सबको कुछ न कुछ, व्यापारियों से पहचान हो जाती है, लाभ तो सभी कुछ न कुछ उठाते हैं। अब रही बात कि जिसकी दृष्टि में अंतर्मुख होना, ईश्वर से एक होना, परम ईश्वर प्राप्त करना जिसके लिए लाभ है, वो कितना उसकी ओर बढ़ रहा है ये तो स्वयं उसका अनुभव है। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जब पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन आन उपाव। बुद्धि मिलती है सत्संग से, सदगति होती है सत्संग से, वैभव मिलता है सत्संग से, भला होता है सत्संग से। दुनिया में हमेशा से हर जगह हर के लिए ऐसे ही होता आया है। तो सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा है। यदि सत्संग करते समय मालूम न पड़ता हो कि हमको क्या लाभ हो रहा है तो भी आप लाभ को मत ढूंढिए, सत्संग को ढूंढिए। वो सत्संग आपके जीवन में ऐसा लाभ देंगे कि जो लोग आज आपको एक मामूली आदमी समझते हैं वो कहेंगे अरे ये तो महात्मा हो गया। तो नारायण, सत्संग का बहुत लाभ है, आपने उठाया है, आपको धन्यवाद है और लोगों को भी धन्यवाद क्योंकि वो सत्संग का लाभ उठाते हैं। तो प्रभु आजकल मैं टीवी देखती हूँ, मैं दूसरे कि मैं टीवी देखती हूँ और अभी अभी प्रोग्राम कृष्ण लीला का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। जबकि मैं कंस मामा की हिमायत नहीं ले रही हूँ किंतु कंस को एक विषया पुत्र बताया गया, जैसा कि मैंने देखने वालों से सुना है तथा मैंने भी इसको सुना। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो इच्छा टीवी वालों पर मुकदमा दायर करने की। तो थोड़ी और खोज कर लीजिए ना, मुकदमा दायर करने के लिए जैसे सबूत चाहिए, दस्तावेज भी होने चाहिए। पहले तो खोज उसी की करनी पड़ेगी क्योंकि पुरानी चीज है, और कुछ चश्मदीद गवाह भी होने चाहिए है? तो कंस की माँ विष्या तो नहीं थी,
कंस की माँ सती थी, उग्रसेन की पत्नी, और उसके साथ खोखा जरूर किया गया था, जैसा कि अहल्या के साथ इंद्र ने गौतम का वेश धारण करके खोखा किया, वैसे ही एक असुर ने संभवतः उसका नाम था, उसने उग्रसेन की पत्नी को उग्रसेन का वेश धारण करके धोखा दिया था। उसको वेश्या कहना तो बिल्कुल ही गलत है, वो वेश्या नहीं थी। रामचरितमानस में ऐसा पाया गया है कि उर्मिला एवं सुलोचना बहुत ही उपेक्षित पात्र रहे हैं और इन दोनों की शक्ति संघर्ष में विचार मीना की युक्तियों में लगे को समझ। रामचरित मानस में उर्मिला का चरित्र जितना उत्कृष्ट है, उसकी जोड़ का दूसरा कोई चरित्र उत्कृष्ट है ही नहीं। भगवान रामचंद्र की सेवा में लक्ष्मण जाते हैं, यदि लक्ष्मण रामचंद्र की सेवा करें और उर्मिला के लिए रात को बैठ करके रोया करें या दिन भर उर्मिला की फिक्र किया करें, तो लक्ष्मण का चरित्र बढ़िया बनेगा कि उर्मिला का चरित्र बढ़िया बनेगा? उसने अपने पति के सुख में सुख मान करके उसकी आत्मा से एक होकर लक्ष्मण जी को सीता रामचंद्र की सेवा में जो सुख अनुभव होता था, घर में बैठकर उर्मिला ने उस सुख का अनुभव किया। उत्तम कोटि का नहीं होता और उर्मिला का चरित्र भी नहीं होता। जैसे आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस में शत्रुघ्न का चरित्र भी अत्यंत उपेक्षित है, केवल मंथरा को लात मारने के समय उनके चरित्र की विशेषता दिखाई गई है, तो क्या शत्रुघ्न उपेक्षित है रामायण में? क्या नहीं, वो भागवत भागवत है, माने परम भागवत है, भक्त के भक्त है, वो भरत की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए बीच बीच में शत्रुघ्न के उल्लेख की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार लक्ष्मण जी भगवान सीता राम की सेवा में संपूर्ण रूप से संलग्न रहे, इसके लिए उर्मिला का बारंबार उल्लेख न होना ये उसके चरित्र का उत्कर्ष है कि वो कहीं रामचंद्र की भक्ति और सेवा के बीच में लक्ष्मण के लिए विघ्न नहीं बनती है। तो उर्मिला का चरित्र जैसे भक्त भक्त का चरित्र है शत्रुघ्न का, उसी प्रकार भक्त भक्त का चरित्र है उर्मिला का, और वो जिस रूप में रामचरितमानस में दिया गया है उसी रूप में वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोलने में ही सेवा होती है? क्या चलने में ही सेवा होती है? क्या हाथ से करने में ही सेवा होती है? क्या मौन में सेवा नहीं होती? मौन तो उर्मिला को मौन रखकर उसकी तपस्विनी, उसके तपस्विनी होने का, उसके त्यागमय जीवन का जितना उत्कर्ष रामायण में दिखाया गया है, उतना तो और किसी के चरित्र में। अब कौशल्या की अपेक्षा तो सुमित्रा का चरित्र भी कम है, कैकेयी का चरित्र बहुत ज्यादा है, कौशल्या से भी अधिक उल्लेख कैकेयी का मिलेगा रामायण में। तो क्या कैकेयी का चरित्र बहुत उत्कृष्ट है रामायण में और कौशल्या का कम है?
नारायण सुमित्रा सर्वस्व अपना समर्पित करके जहाँ राम तहाँ अवध निवास। सीता तुम्हारी माता है, राम तुम्हारे पिता है, इस प्रकार का समर्पण अपने पुत्र का करके और स्वयं मौन तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करना। तो आप शत्रुघ्न के चरित्र को देखिए और नारायण सुमित्रा के चरित्र को देखिए, उर्मिला के चरित्र को देखिए, क्या भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी नहीं थी, लेकिन वे 14 वर्ष कहाँ थे। तो ये जो पति के मन के साथ के हो जाना और उसके विचार में कहीं भी बाधा न डालना और मौन तपोमय जीवन व्यतीत करना, ये क्या चरित्र का उत्कर्ष नहीं है? केवल बार बार गाने से नाम लेने से चरित्र का उत्कर्ष होता है? तो चरित्र को नापने की परिभाषा जो है वो उस समय के दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी जब रामचरितमानस देखा गया है। ओम शांति।